हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लुथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले आईएफएससी ग्रेड ए मेंस एग्जाम के पेपर टू के सिलेबस को। इसके अंदर सिलेबस क्या है, इसके अंदर जो आपको पढ़ना है उसका सोर्स क्या होना चाहिए, कंटेंट का सोर्स क्या होना चाहिए, वो सारी बातें करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का पर्पज है जो मेरे आईएफएससी ग्रेड ए मेन्स एग्जाम के पेपर टू के एनरोल स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो कॉन्टेंट प्रोवाइडेड है उसको किस सीक्वेंस में कवर करना है और आगे जाके क्या क्या कॉन्टेंट आएगा टेंटेटिव डेट के साथ। समझ में आती है? जो आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है उसमें दो पेपर है, पेपर वन है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और पेपर टू है जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट है, आईएफएससी रिलेटेड रेगुलेशन है, साथ ही साथ इंडियन मार्केट के रिस्पेक्ट में भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जो पेपर वन है इसके रिस्पेक्ट में मेरी इंग्लिश की फैकल्टी आपको गाइड करेंगी। पेपर टू के बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो आपके मेन्स के एग्जाम में मार्क्स आएंगे, पेपर वन की बात करूँ तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसको 1/3 कर दिया जाएगा। उसके अंदर जो भी मार्क्स उसको 1/3 करेंगे, पेपर टू में जो मार्क्स आएंगे उसको 2/3 करेंगे आपकी मेरिट प्रिपेयर करने के लिए। तो आपका जो पेपर टू है वो ट्वाइस मतलब वेटेज वाला हो गया ना, तो आपके जितने भी मार्क्स आएंगे पेपर टू में उसको 2/3 करेंगे, 1/3 करेंगे पेपर वन के मार्क्स को, और जो टोटल मार्क्स निकल कर आएंगे उससे एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी जिसमें इंटरव्यू के लिए लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं, टॉप के लोगों को, मेरिट वालों को? तो 60 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। ठीक है जी, ये कैसे निकलेगा? 20 वैकेंसीज है और 3 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करेंगे एक वैकेंसी के ऊपर। समझ में आती है बात? अभी जो आपकी मेंस के एग्जाम है, ठीक है जी सर हम शॉर्टलिस्ट हो गए इंटरव्यू के लिए चले गए, फिर क्या होगा? फिर भी आपके मेंस के एग्जाम के मार्क्स इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके मेंस के एग्जाम में मार्क्स आएंगे इंटरव्यू की स्टेज के बाद जब सिलेक्शन होगा उसके अंदर उसको 85% कर दिया जाएगा, और जो बैलेंस 15 मार्क्स है इसमें 85 मार्क्स आ गए ना, 85% कर दिया, तो जो बैलेंस 15 मार्क्स है वो इंटरव्यू के होंगे। तो आपके मेंस के एग्जाम के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ओके सर। पेपर टू की बात करो, वो तो हम कर लेंगे सब कुछ। पेपर टू की बात को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को समझना है जिसमें फाइनेंस के ऊपर बड़ी सारी बात करी है, फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करी है, तो आपको एक फाइनेंशियल सिस्टम समझ में आना चाहिए, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आएगा तो बाकी सारी बातों को समझने में, जो इसके अंदर बड़े सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करी हुई है, सिस्टम के बारे में बात करी है, तो उसमें क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है जी, तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन में कौन आएंगे? बैंक्स आ जाएंगे, आपके क्या कहते हैं इंश्योरेंस रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, आपके क्या कहते हैं कैपिटल मार्केट या फिर आपका जो पेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो वाले इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट होता है, जिसमें शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दो टाइप के, एक कैश, कैश वाले इंस्ट्रूमेंट्स, पैसा लो मेरे को एसेट दो। एक होते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो अपनी वैल्यू एक किसी अंडरलाइन से डिराइव करते हैं। फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कुछ सर्विस होते हैं एसेट बेस्ड सर्विस। अगर बैंक आपको लोन देता है तो वो एक एसेट बेस्ड सर्विस है। ठीक है जी, अगर आप किसी की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो वो एक एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। एक होता है सर्विस में फाइनेंशियल सर्विस फी बेस्ड सर्विस। जैसे अगर बात करें आपने क्या कहते हैं किसी पोर्टफोलियो मैनेजर से, क्या कहते हैं पोर्टफोलियो करता था भाई, हैंडल करता था, नॉलेज वाला बंदा था स्टॉक वाला, उससे सर्विस ली, बोला भाई मेरी पोर्टफोलियो बना दो, उसने आपसे फीस ले ली, तो वो थी फी बेस्ड सर्विस। ठीक है जी, फाइनेंशियल सर्विस दो टाइप की। फिर आगे आपके रेगुलेटर्स। अगर रेगुलेटर की बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में 5 रेगुलेटर है। ठीक है जी, सुप्रीम रेगुलेटर तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर सही है, बट जो क्या कहते हैं स्पेसिफिक मार्केट्स के लिए जो रेगुलेटर बने हैं वो 5 है। बात करें फर्स्ट रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग सिस्टम के लिए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। फिर आपका आगे सेबी कैपिटल मार्केट्स के लिए, IRDAI इंश्योरेंस मार्केट के लिए, PFRDA पेंशन रिलेटेड फंड्स के लिए मार्केट के लिए, लास्ट में आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को रेगुलेट करने के लिए। समझ में आती है बात? चलो, ये बात आपको क्लैरिटी होनी चाहिए तभी जाके आप आगे की चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बात आती है IFSCA रिलेटेड एक्ट और उसके प्रोविजंस आपको बता होना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एक्ट को समझना चाहते हो तो आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए SEZ एक्ट की। सर ऐसा क्यों, ये बताओ। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है उसके अंदर ही पावर दी गई है कि गवर्नमेंट एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को नोटिफाई कर सकती है। सेक्शन नंबर 18 में उसको पावर दिया है। तो SEZ एक्ट के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एक्ट बनता है, तो SEZ एक्ट भी इंपॉर्टेंट हो गया।
आपके एग्जाम में आईएफएससी एक्ट दे रखा है बट एसईजेड एक्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, इस बार जो फाइनेंस एक्ट 23 का आया है उसके अंदर कुछ पावर जो एसईजेड एक्ट में थी वो पावर्स दे दी गई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी को, पावर्स कुछ कम कर दी गई है एसईजेड एक्ट की और बोला आईएफएससी आप काम करो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट दोनों हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर गिफ्ट सिटी की बात करें तो गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी एक स्मार्ट सिटी बनाई गई जिसका इंफ्रा के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इंफ्रा कैसे बना है, इस रिस्पेक्ट में जो भी लेक्चर थे वो ऑलरेडी कम्प्लीट है मेरे कोर्स में, तो आपको इस सीक्वेंस में कवर करना है, पहले बेसिक फाइनेंस फिर ये। अब गिफ्ट सिटी के अंदर एक एसईजेड बनाया, गिफ्ट सिटी एक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सिटी बनाई गई, सिटी के अंदर एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया, उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया गया जो इंडिया का पहला और इकलौता इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, ठीक है जी, जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप बैठोगे वहां पे जाके गिफ्ट सिटी के अंदर ही आपका ऑफिस होगा, ठीक है जी, ओके। अब इसके साथ साथ एक टॉपिक आता है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स, ऐसे जैसे हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है ऐसे बड़े सारे कंट्री ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना रखे हैं, ठीक है जी, तो उसका एक इंडेक्स प्रिपेयर होता है कि कौन सा फाइनेंशियल सेंटर बढ़िया वर्क कर रहा है। अगर बात करें अभी के टाइम पे तो जो टॉप 5 टॉप 10 इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है तो उसके अंदर 5 इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यूएसए के ही है, तो यूएसए इस मार्केट को डोमिनेट करता है। अब ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर की बात करें तो इसका इंडेक्स दो बार, इसकी रिपोर्ट दो बार आती है, एक सितंबर में और एक मार्च के, तो मार्च की रिपोर्ट की फिगर्स उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो कवर्ड है मेरे कोर्स के अंदर, फिर आप उसको देख लेना। फिर आती है एक थोड़ी सी अलग बात, बुलियन, बुलियन का जो मतलब पार्ट है उसमें बुलियन के हमारे रेगुलेशंस दे रखे हैं कि बुलियन मार्केट कैसे वर्क करेगी। बुलियन की बात करें तो स्पेसिफिकली गोल्ड की ट्रेडिंग की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है जी, तो गोल्ड के वॉल्ट्स बनाएंगे, बड़े बड़े वॉल्ट बनाएंगे जिसमें गोल्ड को स्टोर किया जाएगा, फिर बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बनेगा, फिर एक इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जहाँ पर ट्रेडिंग होगी एक्चुअल में, तो वो बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को लेके आप वॉल्ट से एक्चुअल गोल्ड निकाल के इंडिया के बाहर लेके जा सकते हो, ठीक है जी, तो ये पर्टिकुलर सेशंस भी ऑलरेडी कवर्ड है। एक अमेंडमेंट बुलियन के अंदर बाकी है जिसके अंदर इन्होंने बोला है कि हम ब्लॉक डील करेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट लेक्चर आ जाएगा, छोटा सा लेक्चर होगा। ऐसे ही जो फाइनेंस एक्ट के अंदर प्रोविजन आया है एसईजेड एक्ट की पावर को आईएफएससीए को देने की, उसका अमेंडमेंट लेक्चर भी आ जाएगा। अमेंडमेंट क्या, वो तो हुई है ना अभी इंटरनेशनल, वो तो फाइनेंस एक्ट 23 में ही आया, अमेंडमेंट थोड़ी है वो, मतलब जो चेंजेस आए बता देंगे। अगला पढ़ते हैं, पेंशन सेक्टर के बारे में बात करते हैं। पेंशन सेक्टर के बारे में हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर कोई प्रोविजंस नहीं है, बट पेंशन सेक्टर इंपॉर्टेंट है, ये आपने अपने फेज वन के एग्जाम में देख लिया। पेंशन सेक्टर के कितने क्वेश्चन आए आपके फेज वन में, अब मैं बताऊं ऐसे, क्यों क्या पता आईबीपीएस ने क्वेश्चन बना रखे हैं पेंशन सेक्टर के, पीएफआरडी का तो एग्जाम वो लेता रहता है ना, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो पेंशन सेक्टर के बारे में तो देखो आपको ये सारी चीजें कवर करनी चाहिए, बेसिक्स ऑफ पेंशन सेक्टर, पीएफआरडी का एक्ट, नेशनल पेंशन सिस्टम से क्वेश्चन आया, अटल पेंशन योजना, ईपीएफओ जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट है, वो हमारा सबसे पुराना एक्ट है पेंशन के अंदर, 52 में आ गया था। ऐसे पेंशन रिलेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, अगर मैं बात करूँ तो वया वंदना योजना से काफी क्वेश्चन आ रखे हैं पहले, बात करें तो इसके अंदर कुछ ना कुछ अभी फाइनेंस एक्ट के अंदर भी कुछ प्रोविजन है जिसको हम अमेंडमेंट लेक्चर में कवर करेंगे। एन्युटी प्लान और पेंशन की अवेयरनेस, तो पीएफआरडी की वेबसाइट पे जो कुछ सर्कुलर्स आते हैं, कमी आते हैं, इजीली कवर हो जाएगा, वो कवर करेंगे। तो पेंशन सेक्टर भी ऑलरेडी कंप्लीट है, इसके अंदर पेंशन अवेयरनेस पे एक लेक्चर आएगा मैथ्स टू मैथ्स, ठीक है जी, कवर्ड। नेक्स्ट पार्ट करेंगे बैंकिंग, अब बैंकिंग ऑलमोस्ट कवर्ड है, मैं बात करूंगा क्या क्या कवरेज बाकी है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बैंकिंग रेगुलेशन से बात को स्टार्ट करेंगे। फिर आते हैं इन्होंने कुछ डायरेक्शंस दिए बैंक को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बैंकिंग यूनिट को अगर यहाँ पे काम करना है हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, तो उसको कुछ डायरेक्शंस माननी पड़ेंगी, जनरल डायरेक्शंस होगी, प्रोडेंशियल डायरेक्शंस होगी, कंडक्ट ऑफ बिजनेस की डायरेक्शन होगी, ठीक है जी। अगर आपको प्रोडेंशियल डायरेक्शंस को समझना है इसके अंदर, तो उसके लिए बेजल नॉर्म्स का रिक्वायरमेंट है, प्रोडेंशियल डायरेक्शंस भरा पड़ा है बेजल नॉर्म्स से, तो बेजल की क्लैरिटी होनी जरूरी है। तो प्रोडेंशियल नॉर्म्स को करने से पहले, प्रोडेंशियल डायरेक्शंस को करने से पहले आपको बेजल नॉर्म्स को अच्छे से कवर करना, ठीक है जी, ऑलरेडी कवर्ड है ये वाला। अब इसके अंदर बचा क्या, मैं उसके बारे में बात करूंगा। कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अभी 3 मॉड्यूल हुए हैं, बाकी के मॉड्यूल लेफ्ट है, वो करेंगे। साथ में बैंकिंग अवेयरनेस हम 6 मंथ्स की कवर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है जी, बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आ सकते हैं और कोई सोर्स ऑफ क्वेश्चन समझ में नहीं आता बैंकिंग के अंदर, अवेयरनेस से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं।
अब हम स्पेसिफिक मास्टर सर्कुलर, मास्टर डायरेक्शंस जो आती है बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो करना एडवाइजेबल नहीं है, कवर हो भी नहीं सकता वो। तो अवेयरनेस से क्वेश्चन आने के अच्छे चांस है, इसको कवर करेंगे, ठीक है जी। फाइनेंशियल इनिशिएटिव स्कीम्स ऑलरेडी कवर्ड है, बड़े सारे इनिशिएटिव स्कीम आते हैं, गोल्ड बॉन्ड स्कीम होगी, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड स्कीम होगी, इसके बाद इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समेंट स्कीम होगी, रिटेल डायरेक्ट स्कीम होगी, तो इधर से क्वेश्चन काफी आते हैं, तो ये करना है। एक साथ में मैंने आपको इंडियन पर्सपेक्टिव से एक लेक्चर ऐड करा है, जो इम्पोर्टेंट है वो है IRAC नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। इससे काफी क्वेश्चन मतलब IBPS बैंकिंग के एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए IRAC नॉर्म्स को भी करना चाहिए, ठीक है जी। तो बैंकिंग आपका कवर हो जाएगा 21 अप्रैल से, कोशिश करूंगा मैं 20th तक ही खत्म हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट आपका फाइनेंशियल सिस्टम में कवर्ड है। कैपिटल मार्केट क्या होती है, प्रोडक्ट्स क्या है, उसका इंफ्रा अगर मैं बात करूँ ना, इंडियन कैपिटल मार्केट का इंफ्रा, स्टॉक ब्रोकर्स क्या है, एक्सचेंज क्या है, सेंसेक्स निफ्टी, वो सब कवर्ड है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की रेगुलेशंस को, तो आपका कैपिटल मार्केट में हम ये रेगुलेशंस करने वाले हैं, और ये कवर हो जाएगा आपका 29th of April तक। ये जो कवरेज है इसके अंदर हम MCQs भी कराएंगे, लेक्चर्स, नोट, सब कुछ होगा, ठीक है जी। इसमें मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशंस आ गए, इशूइंग एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी होगी, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज हो गए, फंड मैनेजमेंट रेगुलेशंस हो गए, फाइनेंस कंपनी रेगुलेशंस, और साथ में कैपिटल मार्केट के अवेयरनेस से भी जो थोड़े बहुत अवेयरनेस के लिए लाता रहता है कैंपेन्स। अगले बात पढ़ेंगे इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में, हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस मार्केट, यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है, बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस मार्केट करना है। बाकी इंश्योरेंस के रिलेटेड जो इन्होंने रेगुलेशंस निकाले हैं, इंश्योरेंस इंटरमीडिएट से बात को स्टार्ट करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इंश्योरेंस बिजनेस के, ऐसे ही प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग के रिस्पेक्ट में, और इंश्योरेंस हमारा एक्सपेक्टेड है 6th of May तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपके आएंगे, आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है 13th of May को। इसके बाद हम बात करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट के रिस्पेक्ट में आपके आएंगे, और उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपका स्टडी प्लान है, आपको इंश्योरेंस को कवर करना, तो बेस्ट सोर्स IRDA की वेबसाइट ही है, वहां पर अगर आपको बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस को समझना है तो उधर से समझ में आ जाएगा। ऐसे कैपिटल मार्केट के रिस्पेक्ट में अवेयरनेस आपको पढ़नी है तो सेबी की वेबसाइट इज अ बेस्ट सोर्स, ठीक है जी। तो ये आपका प्लान है, अगर आपको कोई डाउट आएगा तो मैं थोड़ा सा कम अवेलेबल रहूंगा, क्योंकि कंटेंट को कवरेज काफी करना है, साथ ही साथ इसके MCQs भी डालने हैं, सब कुछ मैनेज करना है, तो मैं थोड़ा सा कम अवेलेबल रहूंगा, तो आप मेरे को मैसेजेस करते हैं क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो थोड़ा सा रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, ठीक है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट फर्स्ट जो टास्क है वो इसके कंटेंट को कवर करने का है, ठीक है जी। चलो अब मैं यूट्यूब पे भी थोड़े बहुत सेशन, अगर टाइम मिलेगा तो लेके आता रहूंगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता रहे कि क्या कहाँ पे कवरेज होना चाहिए, कितना कितना होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे अगर आपको मेरे कोर्स में एनरोल करना है तो। ओके, टाटा, बाय बाय।